फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से जैसे कि आपको पता है कि आचार संहिता लागू होने से 10 मिनट पहले धड़ाधड़ कई विज्ञप्तियां जारी हुई और उसके अलावा वन दरोगा का रिजल्ट उन्होंने जारी कर दिया जिसको लेकर उनके ऊपर काफी दबाव था। पहले याद हो आपको फॉर्म भरने में इतना लेट हुआ, 339 पदों को घटाकर 39 हुए। उसके बाद जब कई का हंगामा हुआ तो उसको उन्होंने 316 पर कर दिया। तो जब रिजल्ट जारी हुआ 16 शिफ्ट 2 में एग्जाम होने के बाद तो नॉर्मलाइजेशन से लेकर तमाम तरह की अटकलबाजियों के बीच जो है ऐसा रिजल्ट घोषित हुआ कि जिसका नाम मेरिट लिस्ट में होना चाहिए था उसका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं था और जिनका तो नहीं होना चाहिए था उनका तो वहां पर हो गया। तो इसी सिलसिले में आवाज़ सब उठा रहे हैं, ट्विटर के माध्यम से भी आवाज़ उठा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वन दरोगा का परिणाम एक बार फिर जो है सवाल के घेरे में। इससे पहले भी कई तरह के जो एग्ज़ाम आए हुए थे उनका रिजल्ट आया था, हालांकि मैक्सिमम एग्जाम्स में बेरोजगार संतुष्ट है, मगर सहायक लेखाकार जिसमें कि आपने देखा होगा कि गूगल ट्रांसलेट कर दिया गया था। और इसी सिलसिले में वन दरोगा के एग्ज़ाम्स को भी लेकर ये हुआ है और इसके एग्ज़ाम को हम ये कह रहे हैं कि बिल्कुल इसके एग्ज़ाम को या तो फिर इस पर SIT की जाँच हो या तो फिर इसको रीशेड्यूल कर दिया जाए, यानी कि इसको पूरा एग्जाम कैंसिल करके ऑफलाइन एग्जाम हो। बाकी आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। तो आप देख सकते हैं जिस हिसाब से ये वन दरोगा का जो रिजल्ट आया उस पर कई जो है सवाल उठे हैं, क्योंकि सबसे पहला सवाल था अगर आपको रिजल्ट जारी करना था आप पहले करते, 2-3 दिन पहले करते, लेकिन आपने जल्दबाजी में और पता नहीं अंदर ही अंदर क्या खेल चल रहा था आपने जो है 10 मिनट पहले जारी कर दिया। और उसके अलावा आयोग ने जो है अभी एक मेल जारी हुआ है जहां पर उससे क्वेश्चंस हुआ था कि हमारे वास्तविक आंसर सीट या जो हमने मार्क्स पाए हैं वो हमें कब तक देखने को मिल सकते हैं। तो आयोग ने यहां पर कहा है कि आपको 5 दिन के अंदर जो है कि ये चीज़ दिखाई देगी। तो आयोग का एक रटा रटाया आंसर है वो जो कि सभी को मेल के आधार पर वो रिप्लाई दे रहा है। वो पहले भी 5 दिन बोल रहा था, यानी कि जिन कैंडिडेट ने 5 दिन पहले मेल कर के उनसे पूछा था कि रिजल्ट कब तक आएगा उसको भी वो बोल रहे थे 5 दिन बाद, और अगर आप आज कर रहे हैं तो भी वो बोलता है 5 दिन बाद। तो पता नहीं उन्होंने एक आंसर बिल्कुल छाप के रखा है, बस उसी को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें लगभग 332 सवाल हटाए गए थे और सबको एक एक अंक दे दिया गया था बोनस के तौर पर। तो सोचिए जिन कैंडिडेट ने 18 पालियों में 1800 सवाल पूछे गए थे जिस पर आपत्तियां हुई थी, आपत्तियों के बाद विषय विशेषज्ञों ने 332 सवालों को गलत पाते हुए डिलीट कर दिया था और 3 सवाल ऐसे थे जिनका ऑप्शन सही नहीं था, 2 सवाल ऐसे थे जिनके एक से अधिक विकल्प थे। तो सोचिए कितने बुद्धिजीवी लोग हमारे गवर्नमेंट में हैं और हमारे संस्थाओं में हैं जो कि इस तरह के क्वेश्चंस आंसर बनाते हैं और हमारे जैसे और आप जैसे सभी जो बेरोजगार हैं जो साल साल भर रगड़ रगड़ के मेहनत करते हैं और उनके भविष्य के साथ ये खेलते हैं। अगर हम फिर आयोग से बोलते हैं कि आपके रिजल्ट में फर्जीवाड़ा हो रहा है तो आयोग उल्टा हमसे क्वेश्चन पूछता है कि अगर आपके पास सबूत हो तो दीजिए फिर हम आगे कार्रवाई करते हैं। तो फ्रेंड्स ये रही सारी बातें, अब फिलहाल किसी भी पॉइंट पर जो है यहाँ पर नहीं रुकना है, या तो इस पे SIT की जांच हो पहली बात, दूसरी बात नहीं तो इस पूरी भर्ती को कैंसिल करके फिर से एग्जाम हो, यही हमारी मांग है। बाकी आप ट्विटर के माध्यम से भी सरकार पर दबाव बना सकते हैं, तो ट्विटर पे जाएं और हैशटैग का इस्तेमाल करें, उन हैशटैग को मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख रखा है, तो ट्विटर पे हमें भी फॉलो कर लें ताकि हम भी अगर आपने कोई ट्वीट कर रखा हो तो उसको भी रिट्वीट जरूर करें और ध्यान दें उन हैशटैग का इस्तेमाल जरूर करें। सोशल मीडिया की पावर बहुत ज़्यादा है ये आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। बाकी कोई भी अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद जय भारत, जय उत्तराखंड।